So guys, हम लोग निकल चुके हैं आगरा के सड़कों पे। ये देखिए कुछ यहाँ। Hey guys, welcome back to my channel। कैसे हैं आप सब? I hope आप सब अच्छे होंगे। और आज है नवमी, तो आज मैं जा रही हूँ बनाने हलवा और पूड़ी नवमी को भोग लगाने के लिए माता रानी को। उनको बहुत पसंद है हलवा पूड़ी, तो मैंने सोचा कि बनाती हूँ मैं। वैसे तो मैं हर साल बनाती थी, अपनी मम्मी के आराधे थी, तो बट यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास नया बर्तन है। मैं चलती हूँ बनाने, और आप लोग देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। उसके बाद मैं पूजा करूँगी, तो सब आएगा इस ब्लॉग में। तो आशा करती हूँ आपको ये सब ब्लॉग अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। और चलिए मेरे साथ बने रहिए और मेरे ब्लॉग को इन्जॉय करिए। हे गाइस, वेलकम टू द विदीज गैलरी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज नवमी है नवदुर्गा का, देखिए प्रिपरेशन में क्या क्या बन रहा है। आज बन रहा है, बोलिए, हलवा और पूरी और पूरा सेटअप अलग हो चुका है। इसमें सूजी डाल दिया गया है और ये बनेगा। ओवर हीटिंग हो गई शायद। तो हलवा के लिए सूजी फ्राई हो रहा। आज आपका फास्ट खत्म हो गया। ये देखिए हलवा बनने वाली वाला है। और आपका फास्टिंग में कितने दिन और बचे हैं? और ज्यादा 2 दिन बचे हैं। अच्छा, सही है। आज के बाद तो कल रावण जलाएंगे। आज प्लान तो कल ही का था कि रावण खरीदने का। मैं देखते हैं आज शाम को मिल जाए तो ले आऊंगा। मैं जाके शॉपिंग कर लेंगे, उसके बाद कल विजयदशमी मनाया जाएगा। भाइयों बहनों, ये किस तरह का हलवा है भाइयों? पहले पानी डाल दिया, अब टेम्परेचर ज्यादा किया जाता है। खाना तो है ही भैया, जैसन बनाइए वैसन खाया जाएगा। ये देखिए हलवा तैयार हो चुका है और अब बनेगा पूड़ी। ये देखिए अब पूड़ियाँ सीखने वाली है। इसमें डाला जा रहा है रिफाइन। तो भगवान को पहले भोग लगाया जाएगा। और अलग से ज़्यादा पूजा का सामान ना होने के कारण ये देखिए हाथ से पूरी अपना कर रही है। टैलेंट है। ये देखिए गाइस पूरी बन रही है। पिछली बार की व्यवस्था फेल हो गई थी, इसलिए फिर से नई व्यवस्था बनाई गई है। बताइए, कढ़ाई में पानी रह गया। पूरी भी बन चुकी है, एक एक करके वैसे ही सब बन जाएगी। देखिए चारों पूरी सिक चुकी है, अब क्या बनेगा? अब कुछ नहीं बनेगा।
ये आठ है, आठ वो है। तो गाइस नवरात्रि की पूजा फाइनली संपन्न हुई, तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं आगरा के सड़कों पे दशहरा घूमने। देखते हैं कि हम लोग को मिलता है कुछ देखने के लिए या फिर नहीं। वैसे तो अभी हम लोग देखे तो एक मंदिर बहुत अच्छे से डेकोरेट था, मंदिर डेकोरेट था, सब मूर्ति नहीं बैठा हुआ था, मंदिर था। तो चलिए देखते हैं क्या दिखता है और क्या दिखाते हैं आपको हम लोग। ये देखिए कुछ यहाँ ऐसे मंदिर को डेकोरेट किया, मैं डेकोरेशन तो बहुत अच्छा है। सो गाइस कुछ इसी तरह का बस यहाँ डेकोरेशन हुआ था और कोई खास बिहार जैसा मेला नहीं लगा था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।